हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, एसएससी जीडी की वैकेंसीज का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और जो वैकेंसीज हैं वो उम्मीद के मुताबिक उतनी नहीं है जितना सोचा गया था। पर आप सभी को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन लेना है, मैं पर्टिकुलर यदि आपकी बात कराऊं तो केवल आपको तो एक वैकेंसी चाहिए और वैकेंसी कितनी है, 26,146 वैकेंसीज है। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये उठता है कि इस नोटिफिकेशन में जो जारी हुई है बातें, उनमें हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उसी चीज के लिए मैंने बनाया है आपके लिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली तो बात आती है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो है 24 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, यानी जो आपको फॉर्म फिल करना है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले करना है। और जो लास्ट डेट है टाइम ऑफ रिसिप्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो है 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो जैसा मैंने अभी ये बताया, और जो आपको ऑनलाइन आपको फी पेमेंट करनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो है एक दिन बाद 1 जनवरी 2024 को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट, यानी कुल मिलाकर बच्चों आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आप फी पेमेंट जो है वो 1 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मान लीजिएगा फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हुई है तो उसका जो करेक्शन विंडो है वो खुलेगा आपका 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है वो एग्जाम शेड्यूल किया गया फरवरी या मार्च, यानी फरवरी के लास्ट से आप लगा सकते हैं कि 20 फरवरी या 15-20 फरवरी के बीच जो है ना टेंटेटिव डेट रहेगी, वहां से एग्जाम स्टार्ट होगा और वो मार्च तक चलेगा। अब इसके अलावा और जो बात है बच्चों, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे आप सभी को पता है कि मैंने बता चुका हूं कि 26,146 वैकेंसी है, पर ये अलग अलग उसमें क्या है फोर्सेज में है। और वो कौन कौन सी है, जैसे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है CISF में, मेल कैंडिडेट्स के लिए है 9,913 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 1,112, ठीक है। और कुल मिलाकर 11,025 वैकेंसी जो है आपकी CISF में है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। उसके अलावा जो आपका BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष सदस्य हैं, उनके लिए 5,211 वैकेंसी हैं और फीमेल महिलाओं के लिए है 9,963। कुल मिलाकर BSF में जो वैकेंसी है वो है 6,174। फिर है आपका तीसरे नंबर पर आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके अंदर आपकी मेल की है 3266 और फीमेल के 71 और कुल मिलाकर 3,337 वैकेंसी हैं। फिर IDPP में, IDBP में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है उसके अंदर आपकी 2694 मेल्स के लिए, फीमेल के लिए 495, कुल मिलाकर 3,189। उसके अलावा असम राइफल्स AR में है आपकी 1490 वैकेंसी और SSB में आपकी 635 और SSF में है आपकी 296। तो ये वैकेंसीज हैं कुल अलग अलग फोर्सेस के अंदर, ठीक है। और मेल और फीमेल के बारे में मैंने आपको बताया है। और उसके अलावा कि ऐसे कैटेगरी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, तो वो जो है ना जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट से ध्यान रखना। अब इसके अलावा मेन पॉइंट आपके लिए क्या है बच्चों, सबसे पहली बात आती है एज लिमिट क्या है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स जो आप जिनकी एज 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच है, ठीक है ना, यानी जिनका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं हुआ है, यानी इन दोनों के डेट्स के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सभी जो है ना इस फॉर्म को भर सकते हैं 18 से 23 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन अलग अलग है, जैसे एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। तो नॉर्मली जो बात है वो है जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 23 वर्ष तक की। उसके अलावा बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th क्लास, ठीक है ना, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो 10वीं कक्षा जो आपका रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यानी आपका शैक्षिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र है वो क्या होगा, केवल 10वीं कक्षा। इसके अलावा
एक और खास बात है बच्चों, जो बच्चों को अक्सर पता होनी चाहिए वो क्या, यदि आप लोगों ने कभी ना आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, देखिएगा एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो तीन कैटेगरी में मिलता है, ए बी या सी में। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे ना, मैक्सिमम मार्क्स के आपको ना उसका पता कितना परसेंट मिलेगा, 5% मिलेगा बोनस के रूप में। मान लीजिएगा एग्जाम 100 नंबर का, 100 का 5% यानी 5, तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उसको 3% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 2% एक्स्ट्रा। तो ये इंसेंटिव दिया गया है किनके लिए, जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए। अब अगली बात आती है कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। देखिएगा अलग अलग पैटर्न में आपका एग्जामिनेशन है, अलग अलग कैटेगरी में एग्जाम है। सबसे पहले होगा आपका सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा बच्चों, उसके अंदर कुल मिलाकर आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन होगा जीके और जीए का, तीसरा सेक्शन होगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स गणित का, और चौथा सेक्शन है लैंग्वेज का यानी इंग्लिश या हिंदी में से। और यहां पर हर सेक्शन के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, ठीक है ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपके जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट आप जिसे कह सकते हैं, उसके अंदर ये 4 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या हिंदी में से। तो ये जो 80 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको जो है ना 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अलावा आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। और इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, आपके लिए रेस, ठीक है ना, फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें रेस है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेस है 5 किलोमीटर की, जिनको जिस रेस को उन्होंने 24 मिनट में पूरा करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो रेस है वो होगी 1600 मीटर की, जिसे 8.5 मिनट में पूरा करना है। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते उन कैंडिडेट, और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, 1600 मीटर मेल के लिए, पुरुष के लिए 1600 मीटर 7 मीटर में, और फीमेल महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में, ठीक है। तो ये होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके अलावा फिर होगा आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट, इन चीजों का क्या है, मेजरमेंट होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल के लिए होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा चेस्ट की यदि बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के ना कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं, यानी अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, यानी एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट का नहीं लिया जाएगा, उसके लिए कुछ भी कंसिडर नहीं है। तो हाइट और चेस्ट का हो गया। वेट जो है ना आपका ना वही जो एज प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है, यानी आयु में कि इस उम्र में आपका वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है प्रोसेस रहेगा। अब कुल मिलाकर बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा। तो सिलेक्शन के लिए मेनली जो है ना चीजें वो क्या है, सबसे पहले तो है आपका सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, एक है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक है मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 5 प्रोसेस के अंदर आपका क्या है सिलेक्शन होगा। और इसमें होगा क्या बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको कम से कम कुछ क्राइटेरिया, कितने परसेंट मार्क्स जरूर लेने होंगे, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कम से कम 30% का स्कोर करना ही होगा। और जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको 25%, और बाकी जितनी कैटेगरी बच गई उनको कितने परसेंट, 20%। यदि आप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा किसमें, पीएसटी और पीटी, पीएसटी के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको ना इंसेंटिव मार्क्स जो है ना वो साथ के साथ दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की ना शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेट और एरिया वाइज, ठीक है। जो ना लगभग मान लिया जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम का एक क्राइटेरिया है
क्या कि मैंने बताया जैसे जनरल वाले बच्चे हैं उनको कम से कम 30% स्कोर करना है, पर इस बात का मतलब ये नहीं कि 30% स्कोर करने का मतलब है कि आप सभी को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, नहीं। मान लीजिएगा वैकेंसी 1000 है तो 1000 से 8 गुना 8 से 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसने मिनिमम कैटेगरी कही गई है कि उसने मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके कम से कम 30% स्कोर होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, पर सभी के सभी को बुलाया जाएगा ऐसा नहीं है, केवल 8 से 10 गुना को। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके साथ ही पीटी आपका फिजिकल जो भी है, एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरमेंट वगैरह, चेस्ट वगैरह, वेट, वो सारा हो जाएगा। साथ ही साथ फिर क्या है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा बच्चों, उसमें आपको एक चीज याद रखना है, यदि किसी ने ये कहा है कि मेरे पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, बी है या सी है, तो प्रोविजनली पहले उसको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, पर वो मार्क्स तब मान्य होंगे जब आप एनसीसी का सर्टिफिकेट ए बी या सी जो भी आपने चुना है उसको आप प्रोड्यूस करोगे। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईडीपीपी में, असम राइफल में या एसएसबी में, तो यहां पर एक स्पेशल लाइन लिखी गई है, कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंसेस शैल बी एसेंशियल। यानी कुल मिलाकर मान लीजिएगा कि आपको जाना है कि सीआरपीएफ में जाना है, तो सबसे पहले यहां पर बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईडीपीपी के लिए ई, असम राइफल के लिए एफ और एसएसएफ के लिए एफ, आपको मान लो सीआरपीएफ में जाना है, तो पहली प्रेफरेंस आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सी। यदि फिर आपको कहते हैं सीआरपीएफ में आपको नहीं मिलती है तो आपको बीएसएफ में जाना, तो आपकी प्रेफरेंस हो जाएगी ए, इसी अकॉर्डिंग डी। इस तरीके से आपको क्या अपनी प्रेफरेंस को फिल करना है, और कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर उनका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर क्या, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके तहत फिर क्या है, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक है। अब बात उठता है कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिएगा सबसे पहले फिजिकल पे तो आपको साथ के साथ ध्यान देना ही है, साथ ही साथ जो आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए आज से ही आपको क्या है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। और एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कुल मिलाकर आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि कुल मिलाकर आपके ना 4 मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपका रीजनिंग, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका एक बनेगा वो बनेगा मैथ्स, ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा आपका जीके और जीएस, ठीक है। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं तो चौथा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश और हिंदी में से जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे। तो देखिएगा मैं आपको ना कुछ चीजें बता रहा हूं बच्चों, वो क्या है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि जहां से आजकल बच्चे जो सिलेक्शन ले रहे हैं ना उनका स्कोर काफी अच्छा आ रहा है। यदि यहां से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधा सीधा टारगेट है कि 40 में से कम 38 क्वेश्चन आप सभी के सही होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेटली राइट होने चाहिए। और ये कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि आप कम समय के अंदर मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं, यहां से आप अपने मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स को सबसे पहले फोकस करके खत्म कर लीजिएगा, साइड ही साइड डेली बेसिस पे जीके और जीएस की क्या है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और इंग्लिश और हिंदी के लिए भी दोनों को साथ ही साथ, यानी डेली आपको जो रूटीन है ना इस तरीके से बनाया है कि आपको दिन में रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ ही साथ जीके जीएस और इंग्लिश और हिंदी के लिए भी फोकस करना है। पर मेरा मानना यह है कि एग्जाम आपका फरवरी में है तो अभी से आपको शुरू हो जाना है, अगले 1 से 1.5 महीने में यानी जनवरी 15 जनवरी तक आपको मैथ और रीजनिंग का तो सारा सिलेबस निपटा देना है, ठीक है। और इसके लिए बच्चों मैं आपको ये बताऊं, देखा रीजनिंग की रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिल रही है, और यदि आपको रीजनिंग की वीडियोस पसंद भी आ रही हैं और आप चाहते हैं कि सर कंप्लीट कोर्स लेकर आए एसएससी जीडी कांस्टेबल का, ठीक है, तो वो भी कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल करवा दिया जाएगा यदि आप मुझसे बोलेंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट कीजिए और अपने जो व्यूज है ना वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपके व्यूज को कंसिडर करते हुए मैं क्या है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए स्पेशल बैच के बारे में सोचूंगा, नहीं तो आपको रीजनिंग की क्लासेस तो रेगुलर बेसिस पर मिली ही रही है। पर बच्चों याद रखना, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो रीजनिंग और मैथ
के अंदर आपका जो स्कोर मैंने बताया ये कम से कम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये केवल कंपटीशन में बने रहने के लिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर काफी टैलेंट है और रीजनिंग और मैथ के अंदर उनका स्कोर भी काफी अच्छा आ रहा है। तो आपको यदि कंपटीशन में बने रहना है, केवल कंपटीशन में बने रहने के लिए रीजनिंग और मैथ में तो कम से कम 90% स्कोर करना ही होगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में बने हुए हैं। और मेरिट लिस्ट पर आपकी डिसाइड करेगी कि जनरल जीके जीएस में आप कितना बेटर स्कोर कर पा रहे हैं। पर यदि आज से ही आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो टाइम आपके पास है, दिसंबर का मंथ है, जनवरी है, दो है, तो तकरीबन आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, और इस 2.5 से 3 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। यदि आप चाहेंगे कि एसएससी जीडी का बैच बनना चाहिए तो आपके लिए जरूर कुछ खबरी आएगी, उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।